नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज निकल के आती है या जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है तो हम आपको हर एक न्यूज को, हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप तक पहुंचाया है। तो इस शेयर की बात करें तो काफी बड़ी जो है दो इंपॉर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं इस शेयर से जुड़ी हुई। टेक्सटाइल सेक्टर की दो बहुत बड़ी खबरें निकल के आई हैं, उन दोनों खबरों को हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इन दोनों खबरों का इफेक्ट इस शेयर पर जो है कितना बड़ा जो है देखने को मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। और ये जो ये शेयर लगातार अपर सर्किट का जो सिलसिला इसने पकड़ लिया है, हमने काफ़ी आपको बोला था कि ये शेयर तेजी पकड़ने को तैयार हो चुका है क्योंकि इसमें काफ़ी हैवी कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला था काफ़ी दिनों से। मैंने आपको बोला था जैसे ही ये रेंज टूटने वाली है 43 रुपीज़ का लेवल टूटेगा, ये आपको तूफानी जो है तेजी पकड़ता हुआ देखने मिलने वाला। और देखिए वही चीज़ इसमें देखने मिल रही है और पर डे इसमें अपर सर्किट पर अपर सर्किट देखने को मिल चुके हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि इसमें जो ये अपर सर्किट देखने मिल रहे हैं, ये अपर सर्किट कब तक चलेंगे, इसमें ये शेयर आपको कौन सा टारगेट अचीव करता हुआ देखने मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। इसके अलावा अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो क्या आप अभी इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि कंपनी की जो दो बड़ी खबरें हैं वो दो बड़ी खबरें कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे इस शेयर पर, तो जो ये बात करेंगे इस वीडियो में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड में कैसे क्या हमें ट्रेड देखने को मिली आज के दिन। तो आप देखिए इसमें ओपनिंग हुई थी 48.95 पर ओपनिंग हुई थी और ओपनिंग आप देखिए इसने लगातार तेजी पकड़ी और सर्किट इसमें लग गया था अपर सर्किट। सर्किट टूटा भी देखिए एक बार यहाँ पर टूटा सर्किट, फिर ये सर्किट लगा, फिर देखिए दोबारा सर्किट टूटा और उसके बाद दोबारा से जब सर्किट टूटा तो उसके बाद जो है तेजी इसने फिर से पकड़ी क्योंकि इसमें इतनी संख्या में ऑर्डर लगे हुए हैं कि छोटे मोटे सर्किट टूटने पर जो है इसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, फिर से इसमें अपर सर्किट लग गया था। और देखिए पूरे दिन फिर अपर सर्किट हमें देखने को मिला। इसमें देखिए आज 4.95% की तेजी देखने को मिली, 2.35 रुपये की तेजी जो है आज भी हमें देखने को मिल रही है। अभी ये 49.80 रुपये पर जो है पहुँच चुका है। वन वीक की बात करें तो वन वीक में देखिए 25.28% इसमें देखने को मिल चुके हैं, काफ़ी भारी तेजी इसमें जो है अपना देखें 10.05% की तेजी जो है एक सप्ताह में हमें देखने को मिल गई है। वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में देखिए इसमें ऑलमोस्ट 25.60% देखने को मिले, 10.15 रुपये की तेजी हमें एक महीने में देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस। अगर बात करें तो एक सप्ताह में अभी जो सप्ताह शुरू हुआ है उसमें काफ़ी अच्छा जो है इसने शुरू किया है। जो अपना अगर बात करें जो लास्ट 5-6 सेशन इसमें हुए हैं ट्रेडिंग के तो बहुत इसमें अच्छा जो है परफॉर्मेंस देखने को मिला, लगातार इसमें अपर सर्किट देखने को हमें मिले हैं। अगर देखें वॉल्यूम एडिशन और उसके बाद देखते हैं खबरें कि कौन सी वो खबरें हैं जो काफ़ी बड़ी निकल के आ रही हैं। तो देखिए सबसे पहली खबर जो है ये आपकी 22 अप्रैल की, आपकी 22 नवंबर की है, 3:25 की मतलब कल की खबर है। तो ये क्या थी, MIDC साइन $2 बिलियन वर्थ 25 MOUs इन ऑटो टेक्सटाइल सेक्टर एट वर्ल्ड एक्सपो दुबई। देखिए ये इन्होंने काफ़ी बड़ी जो है घोषणा करी है अपने जो मुंबई, माफ़ कीजिए, अपना जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है MIDC, उन्होंने जो है एक डील साइन की है। देखिए $2 बिलियन की, देखिए $2 बिलियन की, आप खुद सोचिए $2 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट जो है साइन किया गया है किसके लिए, ऑटो सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। काफ़ी बड़ी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। जो अपना वर्ल्ड एक्सपो जो अपनी जो मीटिंग थी उसमें जो है ये फैसला लिया गया है, ये साइन जो है अपनी डील हो चुकी है। अगर अब इस खबर को आगे पढ़ते हैं तो अंडर द विजन ऑफ मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 द महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC साइन 25 MOUs वैल्यूड एट इंडियन रुपीज में देखें कितना है, 15,269 करोड़ रुपीज या $2 बिलियन एट वर्ल्ड एक्सपो 2020 इन दुबई। और इसको आगे पढ़ते हैं, द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसका MOU बोलते हैं साइन आर इन द की सेक्टर्स सच एज ऑटो, ऑटो कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, टेक्सटाइल, डाटा सेंटर, फार्मा, बायोफ्यूल एंड एनर्जी सेट MIDC इन इट्स लीज। तो काफ़ी बड़े जो है इंपॉर्टेंट ये घोषणा की गई है इन सेक्टरों के लिए जो है ये डील जो है साइन की गई है। इतना बड़ा जो है अपना जो है अगर देखें तो इतने बड़े रुपयों की डील की गई है, इतना बड़ा जो है देखें तो, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा जो है इंडिया में बढ़ावा दिया है, भारत सरकार बहुत ज़्यादा जो है फोकस कर रही है, जितना ज़्यादा जो है पैसा बना सकते हैं जितना ज़्यादा जो है इससे जो है आगे जा सकते हैं, इंडिया को आगे ले जा सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर से, उतना ज़्यादा जो है अपना भारत सरकार इसमें फोकस कर रही है लगातार फंड रेजिंग करके, लगातार पीएल स्कीम में जो है इसका नाम जोड़ के। और अभी जो अपनी जो MIDC ने जो अपना इतनी बड़ी डील साइन की है तो इसमें जो है अपना नाम दिया गया है जब टेक्सटाइल सेक्टर का, तो बिल्कुल तय बात है कि जितनी भी कंपनियां टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत आगे जाने वाली है, जिसमें से सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि ट्राइडेंट लिमिटेड का नाम ही रहने वाला है, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। लगातार इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखिए इंक्रीज़ हुआ है और इसके अलावा ये कंपनी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है वर्ल्ड वाइड, इसलिए ये कंपनी ज़्यादा रडार में रहने वाली है भारत सरकार की। एक तो ये खबर रही, सेकंड खबर कौन सी है, सेकंड खबर देखिए ये खबर आज की है 23 नवंबर 9 बजे देखिए खबर आई है। तो क्या बोला, यूनिफॉर्म
12% GST on MMF textile does not address cost challenge for entire MMF sector, says expert. तो एक्सपर्ट बोल रहे हैं ज़्यादा जो है इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा 12% जो GST बढ़ाएगी, क्योंकि काफ़ी पैनिक क्रिएट हो गया था, आपको पता भी होगा कि 12% GST कर दी गई है अभी जो अपने जनवरी 2022 में जो है लागू हो जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, जो अभी तक 5% थी अब उसको 12% करा दिया गया है। लेकिन अभी काफ़ी मांग की जा रही है, काफ़ी बड़े बड़े जो है जो अपने इंडस्ट्रियल है और बड़े बड़े जो ओनर है कंपनियों के, वो मांग कर रहे हैं कि इस जो अपना जो बिल आया है उसको वापस लिया जाए, इसको जो है दोबारा से जो कंसिडरेशन में लिया जाए ताकि GST रेट को कम किया जा सके। तो इसको आगे पढ़ते हैं इसको। तो इवन एज द गवर्नमेंट ऑन मंडे नोटिफाइड रिप्लेसिंग द इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर ऑन मैन मेड फाइबर MMF टेक्सटाइल टू अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12% अक्रॉस MMF MMF यार्न MMF फैब्रिक्स एंड अप्रैल एक्सपर्ट इन द MSME डोमिनेटेड MMF टेक्सटाइल सेगमेंट सेड दिस वुड एड्रेस ओनली पार्ट ऑफ द कॉस्ट चैलेंज फेस बाय द बिजनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन अ स्टेटमेंट सेड दैट द न्यू टैक्स रेट विच वुड कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम January 1, 2022 will help the MMF segment grow and emerge as a big job provider in the country. तो इन्होंने ये बात बोला कि ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कॉस्ट चैलेंज जो है जो बिजनेसमैन को द्वारा जो है फेस किएंगे थोड़ा बहुत देखने मिलेंगे, लेकिन ये जो है इस सेगमेंट के ग्रो के लिए और इसके बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा देगा और जो है ये बिग जॉब प्रोवाइडर बनने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जॉब निकलने वाली है इन सेक्टरों में। ये बात जो है बोली गई है MSME के द्वारा और बड़े बड़े जो है एक्सपर्ट हैं इनके द्वारा जो है ये बात बोली जा रही है लगातार। इसके अलावा और भी इस चीज़ को आगे पढ़ें तो गवर्नमेंट हैड अनाउंस द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जिसको PLI बोलते हैं स्कीम फॉर MMF अप्रैल एंड फैब्रिक्स अलॉन्ग द 10 अदर सेगमेंट और प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन सेप्टेम्बर दिस ईयर विद बजटरी आउटले ऑफ ₹10,683 करोड़। आपको बताओ PLI स्कीम में इसका नाम आया था टेक्सटाइल सेक्टर का 10,663 करोड़ रुपए के जो है उन्होंने बोला था कि ये बजट जो है लाएंगे किसके लिए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और अंडर द 5 ईयर स्कीम इन्वेस्टमेंट वर्थ ओवर 19,000 करोड़। देखिए 19,000 करोड़ रुपये जो है इन्वेस्टमेंट कराया जाना है 5 साल में, ये बात जो है बोली गई थी, आपको पता भी होगा ये सब तो ये पुरानी बातें हैं लेकिन जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जब बात बोली गई है तो इसका इफेक्ट जो है काफ़ी देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है अगर सबसे मेन चीज़ जो है ये क्या है कोयम्बटूर बेस्ड साबरी टेक्सटाइल की कंपनी है साबरी टेक्सटाइल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस सेवा कुमार मेंटेन द यूनिफॉर्मली इन GST रेट शुड बी ब्रॉड डाउन टू 5%। उन्होंने बोला कि 5% लानी चाहिए। इफ़ यू आर यू सी कॉटन वैल्यू चेन इंक्लूडिंग कॉटन यार्न एंड कॉटन फैब्रिक द रेट वॉज 5%। ऑल्सो रेडीमेड गारमेंट लेस देन 1,000 रुपीज वर एट 5%। ऑन अदर हैंड इन MMF इट वुड 12% वाइल वी आर टू आर यूनिफॉर्म 5% रेट। इसलिए बोला कि मान लीजिए आप 1,000 रुपये का सामान खरीदते हैं 1,000 रुपये की चीज़ लेते हैं तो 5% GST लगती थी, अब उसमें लगेगी 12% की, तो आपको जो है थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए इन्होंने बोला है साबरी जो अपने टेक्सटाइल के जो मालिक हैं अपना अगर बात करें इनकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लगातार जो है इनको बोलते हुए आ रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, इसको फिर से 5% कर दिया जाए, 12% बहुत ज़्यादा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट खबरें इसमें निकल के आई हैं कि एक तरफ बोल रहे हैं MSME कि इसमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और लगातार जो है इस कंपनी के मालिक के द्वारा जो बोला जा रहा है कि इस जो अपना 12% GST को वापस लिया जाए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें थी मैंने आपको बताई। इसके अलावा बताते हैं इसके आगे के टारगेट, तो टारगेट देखें हमारा अगला टारगेट जो था हमने आपको बोला था कि हमारा टारगेट रहेगा 50 रुपीज़ का, हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारा टारगेट है 50 रुपीज़ का, जैसे ही आपका 42 रुपीज़ का रेट टूटेगा ये सीधे 50 रुपीज़ पर जाता हुआ देखने मिलेगा। और देखिए ये वही चीज़ देखने वाली, जैसे ही रेंज टूटी देखिए ये रेंज बन रही थी, मैंने आपको बोला था ये रेंज टूटेगी तो सीधे 50 रुपीज़ पर आपको जाता हुआ देखने मिलने वाला है। देखिए वही चीज़ हमें देखने मिल रही है और ये 50 रुपीज़ पर हमारा ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, तो इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट मोड पे भी रहना है क्योंकि देखिए ये ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, देखिए ये ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, तो ये इसमें हल्का सा करेक्शन आएगा लेकिन करेक्शन लेने के बाद ये फिर से आपको ऊपर चढ़ता हुआ देखने मिलने वाला है, ये मतलब हायर हाई वहाँ तो चलेगा, तो इसलिए आपको डरना नहीं है, होल्ड करें इसमें, ऑलरेडी इन्वेस्ट है तो होल्ड करें, बाई करना है तो अभी भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, चाहें तो अभी भी इसमें इंतजार करें थोड़ा सा, इसमें अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं जो इसका ये डिप आएगा हल्का सा, पता कि ये ऑलमोस्ट 4-5 रुपये का डिप आएगा, अगर आपको अभी भी बाई करना तो बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे कंपनी में लॉन्ग टर्म में जाए, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है, तो इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट रहें, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में जाएं, आपका 50 रुपीज़ टारगेट अचीव हो चुका है ऑलमोस्ट और अब ये आराम से 200 रुपये पर लॉन्ग टर्म में वहाँ जाने वाला है, तो इसलिए आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। पर्सनली मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं इसमें इन्वेस्ट रहूँगा काफ़ी लंबे समय तक, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट रहें। और अब बाकी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यारा बता रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।